Hi guys, welcome back to another video on Avi Gaming Up. तो Spring 2000 years later. Hi guys, welcome back to another video on Avi Gaming Up. तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ how to complete Spring of Sorrow Part 1, जिसमें मैं अभी यूज करूंगा A Force में. किसको करूंगा यूज? होने वाला ये एक सोलो. So let's go guys, fight him. तो गाइस, सबसे पहली चीज़ क्या है, आप लोगों को दिखेगा अपने ऊपर एक टाइमर टाइप का जिस पर अभी 2 लिखा है. जैसे ही मैं हिट मारूंगा वो बढ़ेगा और जैसे ही ब्लॉक पे हिट लूँगा वो कम होगा. ठीक है, तो हमें बस उस चीज़ को मैनेज रखना है. लाइक मैं नॉर्मल हिट्स मारूंगा तो मुझे ये ध्यान रखना है, जैसे 0 होगा वैसे ही रीसेट होकर 5 हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको ब्लॉक कर करके खेलना होगा, प्लस आपको मतलब हिट्स मारने भी पड़ेंगे. तो आपको मैशअप करके रखना है, दोनों चीज़ों को मैनेज रखना है. वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ, बूस्ट वूस्ट तो लगा लेना क्योंकि ब्लॉक डैमेज ज़्यादा लेना होगा. ठीक है, और बाकी वो जो भी है उसका क्या कहता है, अभी आपको दिख रहा है उसके ऊपर एक वॉल है. तो वॉल में क्या होता है, वो पीछे गिरेगा नहीं. तो स्पैमिंग हैवीज मेक्स योर लाइफ मोर ईजियर. और आप लोग देख सकते हो जो जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक आई एम मैनेजिंग दोज टाइमर्स, लाइक एक एक हिट मार के उस चीज़ को मैनेज रख रहा हूँ और साथ में उसे 10 तक जाने नहीं दे रहा हूँ. साथ में ब्लॉक भी कर रहा हूँ, स्पेशल बेट कर रहा हूँ और स्पेशल ब्लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉक करने का ही ज़रूरत है. और इसी तरीके से हम लोग गाइस बहुत जल्दी क्लोज हो जाएंगे इस वाले सोलो के. तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो पूरी सेम स्ट्रैटेजी के साथ में मैंने पूरी फाइट को किया है ख़त्म, और कोई ऐसी कोई ख़ास दिक्कत मुझे आई नहीं इस वाले उसमें. और जहाँ तक बात रहा, ये था ए फोर्स वाला मिशन. आगे चल के मैं सारे मिशन बताने की कोशिश करूँगा, और थोड़ा लेट हो जाता है गाइज़ क्योंकि और कामों में भी फंस जाता हूँ मैं. सो आई होप गाइज़ आप लोग इससे कुछ सीखे हो गए, आप लोगों को समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड. एंड हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा ही फायदा है भाई MCOC में. ठीक है, सो गुड बाय गाइस, टेक केयर.